जी अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात। अच्छा, दूसरी जो मैं बात कर रहा था वो जो बाय इलेक्शंस हुए हैं हमारे रिसेंटली, उनमें से 15 सीटें जो हैं वो पीटीआई ने जीती हैं और 4 नून लीग ने और 1 आज़ाद। तो जो एक जो जिस पर डिबेट हो रही है, जो नून ने जीती है PP7 की, वो हमारा जो अलमरूफ इलेक्शन कमिश्नर है या कमीशन है, उन्होंने कहा कि हम इस पर री इलेक्शन नहीं कराएंगे। जिस पर धांधली हुई है तो ऑब्वियसली हुई है, धांधली तो बाकी हर जगह पर हुई है, लेकिन इतना वोट पड़ा है कि वो धांधली भी कुछ नहीं कर सकी। लेकिन चलें, वो एक सेपरेट बहस है। तो फाइनल ये है कि 15 PTI के और 4 नून लीग के, 1 आज़ाद। अब आज़ाद कहाँ जाता है वो देख लेंगे, आजकल में वो भी आ जाएगा 22 से पहले पहले कि वो किधर शिफ्ट होता है। अगर PTI में आता है तो उनके 16 हो जाएंगे, उनके फिर 4 हो जाएंगे, 4 रहेंगे। अच्छा, अब जो खबरें आ रही हैं, जैसे लास्ट टाइम हुआ था, लास्ट टाइम से थोड़ा फ़र्क होगा। अब वही पैसों वाली गेम है, जो अब जरदारी के पास, अब वो जो माहिर है पैसों का, अब वो अपनी गेम खेल रहा है। तो सुनने में आ रहा है 30 करोड़ से 50 करोड़ तक रेट लग रहे हैं। कुछ तो कह रहे थे कि बंदे हमें कम चाहिए, 1-1 अरब दें इनको। तो उन्होंने कहा कि 1-1 अरब तो नहीं बनता, ये इतना ही है 30-50। तो जरदारी जो है अब वो अपना पर्स खोल रहा है और 30-50 करोड़ दे रहा है। सुनने में आया कि एक बंदा इन्होंने तोड़ भी लिया है इसमें, इस दफ़ा करने के जा रहे हैं। लास्ट में क्या हुआ था, बंदे इन्होंने ख़रीद लिए थे, लोटे बन गए थे, ठीक है ना, और उससे फिर वो डिस्क्वालीफाई हो गए, वो सारा गड़बड़ होगी। इस दफ़ा वो ये नहीं कर रहे, इस दफ़ा ये क्या कर रहे हैं कि एब्सटेन करेंगे। मतलब मैं हूँ अगर बंदा एक, मुझे अगर देते हैं 50 करोड़, तो मैं किसी वजह से आऊँगा ही नहीं गिनती में। मैं काउंट जब होगा तो मैं 22 तारीख को मैं आऊँगा ही नहीं। बीमार हो गया, कोरोना हो गया, हार्ट अटैक हो गया, बाहर भाग गए, एक्सीडेंट हो गया, कोई बहाना करके, तो मैं आऊँगा नहीं, मैं काउंट नहीं होऊंगा, बंदे कम हो गए। सुनने में एक बंदा 30 करोड़ लेके वो टर्की वगैरह के निकल गया, दुबई चला गया, टर्की चला गया, वो नहीं पता कन्फर्म है अभी, कुछ कह रहे हैं दुबई, कुछ कह रहे हैं टर्की। 30 करोड़ उसने साइड पे किया है और वो निकल लिया वहाँ से। अब उस पर आप केस भी नहीं कर सकते टेक्निकली स्पीकिंग, क्योंकि वो लोटा तो नहीं है, हरामी ज़रूर है, चोर ज़रूर है, पर लोटा तो नहीं है। तो अब ये स्ट्रेटजी हो रही है, अब मुँह खुल गया है, जरदारी साहब अब अपना गेमें कर रहे हैं, बातें हो रही हैं, धमकियाँ भी आ रही हैं। और सुना कि 3 बंदे जो PTI के हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं प्रूफ लेके कि जी हमें ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ये हमें धमकी आई है कि आपने ये करना है वरना आपको नुकसान होगा, जो भी। तो वो अब केस करने लगे हैं, ये भी एक नई चीज़ है, जो कि अच्छी बात है, केस करें। तो बहरहाल नून लीग जो है अपनी अना की वजह से, घटिया अना की वजह से मुल्क तबाह हो जाए, इनको कोई गर्ज नहीं है, लेकिन ये चिपके रहेंगे कि बस हमने छोड़ना नहीं है। लेकिन देखते हैं 22 को क्या होता है। उम्मीद तो है कि बंदे नहीं टूटेंगे, पूरे रहेंगे PTI के पास, और इस कुकड़ी को वहाँ से बाहर फेंकेंगे, चबल लोगों को, और फिर इवेंचुअली सेंटर में, इस्लामाबाद में, जो हमारे शोबाज, हमारे बड़े एडवोकेटर जो हैं, जिन्होंने कख नहीं किया इस दफ़ा, कभी भी नहीं किया इन्होंने, ये अच्छे दिनों के लोग हैं, ये वो लीडर नहीं है। लीडर वही होता है जब आप पे कोई मुश्किल आती है तो फिर वो हैंडल करता है खान की तरह। ये हैं अच्छे दिनों के लीडर, जब सब अच्छा है, महंगाई भी कोई नहीं, पैसे खुले हैं, जितने मर्जी खाओ कोई नहीं पूछता। तो अब मुश्किल वक्त आया है तो किसी से भी नहीं हुआ, सब गिर गए हैं, सब बर्बाद हो गए हैं। तो ये इनकी यही औकात है, ये सारे शहबाज शरीफ, ये मुफ्ता इस्माइल, ये सब गंदे लोग, घटिया लोग, चोर, करप्ट लोग, इनके बस की बात नहीं है। ये हैं जब सब गुडी गुडी होता है, पैसे भी हैं, पेट्रोल सस्ता है, IMF भी कुछ नहीं कह रहा, तो मौजें लगी हुई हैं, सड़कें बना दो, पुल बना दो, बसें बना दो, बस ये इनका काम है। अब जो ज़रूरत पड़ी है लीडरशिप की, इनके बस की बात नहीं है। डॉलर जो है 225 मैंने देखा था सुबह, तो हालांकि पेट्रोल इतना सस्ता हो गया, लेकिन फिर भी इनसे कुछ नहीं हो रहा। तो एनीवेज, तो अब देखते हैं कि 22 को क्या होता है। अगर वो बंदे टिके रहे 15-15 खान के साथ, तो कुकड़ी तो फिर ज़िबा हो गई। लेकिन अगर वही होता है 30-50, देखिए 30-50 करोड़ बड़ी रकम होती है। आप एक लम्हे के लिए सोचें, बीइंग ए डबल एडवोकेट, मज़हब को साइड पर कर दें फिलहाल, क्योंकि वो हम उसमें वो कहेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आपको कोई 50 करोड़ रुपया दे और आपसे कहे कि आपने बस उस दिन असेंबली में नहीं आना, तो देखें आपके ईमान के साथ क्या होता। मुझे कोई दे, एक ऑनर सी बात है, 50 करोड़ 100 करोड़ मुझे कोई दे, हमें वैसे क्यों देगा। लेकिन अगर हम उनकी जगह होते, एक लम्हे के लिए आप सोचें, एक लम्हे के लिए साफ दिल से सोचें
पैसा बढ़ाइए, हम जो जॉब्स करते हैं सारा कुछ करते हैं, क्यों करते हैं? पैसों के लिए करते हैं ना। तो जब 50 करोड़ मिल रहा हो मुफ्त का, आपने कुछ नहीं करना, थोड़ा जलील होना है आपने हल्का सा, तो इनको क्या फर्क पड़ता है? सियासत में जो एक एट्रीब्यूट चाहिए सबसे पहले सियासतदान बनने के लिए, वो है आपने जलील होना है, आपने अपनी वो अनाम मार देनी है। जलील होना कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। आप देख लेते तारीख को 10%, सबको पता है, पर उसे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क पड़ेगा? पैसे इतने हैं। नवाज शरीफ देख लें, मुल्क छोड़ के भाग गया, जलील हो गया, भगोड़ा शगोड़ा, पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा लोगों ने, अब क्या कुछ नहीं कह रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जेन्युइन घटिया लोग होते हैं, इनको नहीं फ़र्क पड़ता जिल्लत क्या होती है, ये बस ऐसे ही, इनको पता है कि भाई ठीक है गरीब लोगों तुम्हें क्या है, पैसे तो मैं कमा रहा हूँ ना, और बात भी सही है, पैसे तो कमा रहे हैं वो। तो ये गंदे लोग होते हैं, ये पैदाशी चंद लोगों के अलावा, जो कि वाकई जिनकी कोई से होती है, कोई उनको पता है कि नहीं ये गलत काम नहीं करना, वो चंद हैं, गिने चुने, वो सबको पता है कि ये 4 बंदे हैं इस पार्टी में, 6 बंदे हैं उस पार्टी में, 2 बंदे हैं इस पार्टी में, जो जिनको आप खरीद नहीं सकते, जो मर्जी कर लो नहीं खरीद सकते, आप गिने चुने होते हैं, दुनिया में गिने चुने हैं, ठीक है ना। हम भी हो ना उनकी जगह पे, तो यकीन करें कोई पता नहीं होता ईमान कहाँ जाता है आपका इतने इतने पैसों पे। ये तो हम कह रहे हैं ना, बाहर बैठे हुए हैं, ये तो वो बात होगी कि जो आजमाया नहीं गया वो अगर कहे कि मैं मोमिन हूँ, तो वो क्या बात है, ठीक है ना। ये तो जब आप पे आजमाइश आएगी 50 करोड़ की, ये फिर पता लगेगा, ठीक है ना। हम बड़े आराम से बाहर बैठ के कह देते हैं कि यार ये लोटे हो गए हैं, भाई सोचो ज़रा 50 करोड़ भैया, ठीक है ना। तो एनीवेज, तो अब देखते हैं 22 तारीख को ऊंट किस करवट बैठता है, और उम्मीद तो है सारे के सारे वीलॉगर्स कह रहे हैं कि ठीक है जो भी है, धमकियां दे रहे हैं, पैसे भी 30-35 करोड़ आ रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, सब लोग डरे में हैं कि बड़े जलील होंगे, और उम्मीद है कि जो कुकड़ी है वो इस दफ़ा ज़िबा हो जाएगी और फिर खान ही खान होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।